कहाँ से आ रहे हो? वो अभी मॉल से शॉपिंग करके आ रहा हूँ। इसमें ब्रांडेड जूते और कुछ कपड़े हैं, और तुम तो जानते ही हो कि मैं हर चीज़ ब्रांड का यूज करता हूँ। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। पता है जूते पूरे 4,000 का है। खैर, इतना तो होते रहता है। वैसे टमाटर कैसे दिए? 40 का। अरे मुझे क्या पता, मैं तो मॉल गया था ना, और मॉल में टमाटर थोड़ी मिलता है, तुम तो जानते ही हो। मैं सब जानता हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। पता है टी शर्ट कितने का दिया? वैसे एक बात मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था। क्या? बोलो। कि सुधर जाओ, वरना एक दिन ब्रांडेड जूते से पीटोगे। टमाटर 40 रुपये था, मैंने 35 वाला लिया। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? हम सब जानते हैं। अभी तुम कौन सा अंडरवेयर पहने हो ये भी बता सकते हैं। मैं तो ब्रांडेड 50 वाला। ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति लग गई तुम्हारे हाथ? दिखाओ मैं तुम्हें ब्रांड। हाँ दिखाओ। यह क्या था? ब्रांड दिखा रहे हो, नंगा कर रहे हो मुझे। ये इतना अंदर तक देखता है, मुझे मालूम ना था। वैसे ये क्या है और कहाँ मिला तुझे? वो मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा, आज रात को मिल चुपचाप। और हाँ, इसके बारे में किसी को बताना मत बिल्कुल भी। कहाँ है तू? अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे बात ही कुछ ऐसा है कि बेचैनी तो होगी ना। ठीक है जल्दी आओ। क्या हुआ, खाली हाथ आ रहे हो? लाया नहीं हो क्या? लाया तो हूँ, लेकिन ये रात में किसी काम का नहीं है। तो ये कहाँ मिला, कैसे मिला? किस्मत वाले हो। 1 मीटर से बचा, वरना अब तक हम स्वर्ग वाले हो गए रहते। अच्छा छोड़ ये सब निगेटिव बातें, कुछ फायदे की सोच, इससे क्या कर सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन कुछ भी इससे गलत नहीं करेंगे। क्यों ना शॉपिंग करके जाते हुए लोगों से पूछेंगे कि क्या खरीदे हैं, और वो ब्रांडेड आइटम या महंगा सामान बताएंगे तो स्कैन करके देख लेंगे और भंडा फोड़ देंगे। अबे ब्रांडेड कीड़े, तेरा दिमाग इससे ऊपर नहीं चलता क्या? सबको अपने जैसा समझता है। ए, अभी तू ब्रांड का वैल्यू नहीं जानता है, इंसान का वैल्यू चेंज कर देता है। कल इसको लेकर बाहर निकलते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ। ठीक है मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन किसी को बताना मत, वरना मैं तुम्हें ब्रांडेड बंदूक से गोली मारूंगा। अरे वाह, ये तो ब्रांडेड टी शर्ट। हाँ तो तुम इस कार्टून को फाड़ कर भाग जाओ, और मैं एक टी शर्ट लेकर भागता हूँ, तुम्हारे लिए भी ले लूंगा। अरे 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 तुम समझते नहीं हो, ब्रांडेड है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, किसी ने देख लिया ना तो बिना ब्रांड वाले जूते चप्पल से पिटेगा। अरे किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। ये पकड़ो, 1 मिनट मैं
मैं आ रहा हूँ निपटा के, छुपा कर रखना, बाहर बिल्कुल भी मत निकालना, ठीक है? खराब हो गया है तुम्हारा, ये क्या कर रहा है, लाइ इधर। अरे तुम भी करके देखो ना, बहुत मजा आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें दे करके गया, तुम लोगों को देखने लगा, नंगा दिखा रहा होगा, ये भी मालूम है मुझे, गंदे नियत का आदमी। चल भाग यहाँ से, किसी काम का नहीं। हेलो, सो रहे हो? हाँ, कौन? अब सोना भूल जाओ। अरे कौन है यार तू, इतनी रात को मैं ही मिला। मिला तो तुम्हें है, व्हाट्सएप खोल के देखो। ये तो मार्केट का वीडियो लग रहा है, लेकिन इसमें सब कोई नंगा नंगा कैसे दिख रहा है? हेलो, कौन हो तुम और ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? बोला था ना सोना भूल जाओगे। अरे डायलॉग बाजी बंद कर, सीधे मुद्दे की बात कर। अच्छा मुद्दे की, अभी तुम्हारे पास कुछ है बस वह मुझे दे दो, डिलीट कर दूंगा, वरना यूट्यूब तो जानते ही हो ना। कौन, कैसा, क्या? मेरे पास कुछ नहीं है, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे समझाने का इतना टाइम नहीं है, मुझे नींद लग रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने, खुद ही पता कर लो। हेलो, कहाँ, किससे पता करूँ? कर दिया कान में। हेलो, पहली कमाई से आईफोन खरीदूंगा। ए ब्रांड, सपने से बाहर निकल। हाँ क्या है, और इतनी रात को कुत्ते के बजाय तुम क्यों भौंक रहे हो? तूने स्कैनर के साथ वीडियो भी किया था? वो मैं थोड़ा किया था या नहीं? हाँ तुम देकर गए थे ना मुझे, तो मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था। और तूने वीडियो किसी को शेयर भी किया था? नहीं किसी को नहीं। तूने किसी को अपना मोबाइल भी दिया था? नहीं, मैं अपना मोबाइल किसी को क्यों दूंगा, और हुआ क्या है? हुआ बहुत कुछ है, और जो कुछ भी होगा इसका जिम्मेवार तुम ही होगे, याद करो ध्यान से। हाँ, मार्केट में एक आदमी मुझसे कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा था। तुम उसे पहचानते हो? नहीं, कोई अनजान था, चेहरा उतना याद नहीं है। तुम मेल, व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, जितने भी शेयरिंग ऑप्शन है सबको चेक करो, कहीं से कोई वीडियो भेजा गया है क्या, और जल्दी मुझे कॉल करो।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और वैसा कुछ मिला नहीं। हाँ ठीक है, अभी मिलो बाहर। ठीक है, आ रहा हूँ। अपना मोबाइल दो अनलॉक करके। ये देखो तो, तुमने इंस्टॉल किया? ये नहीं। तो वाईफाई से शेयर किया है उसने। क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन किस ब्रांड का कपड़ा और जूता पहना था ये बता सकता हूँ। तेरी ब्रांड की ऐसी की तैसी। एक तो मैंने तुझे बोला था कि कुछ मत करना, तो तूने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ऊपर से तुम्हारे मोबाइल से कोई दूसरा ले गया, और तुम्हें उसका बस ब्रांड याद है। नहीं, मुझे आकर बोला कि अभी अभी मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, थोड़ा कॉल करना है, अपना मोबाइल दो, तो मैंने दे दिया, बस इतना ही जानता हूँ। लेकिन वो मुझ तक कैसे पहुँचा? मेरा मोबाइल उसी के हाथ में था और वो। ओ भाई साहब, जरा अपना फोन दीजिएगा, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, जरा मुझे बात करना है। काश कुछ ऐसा होता कि हम अंदर की चीज़ों को बाहर से देख पाते, जैसे कि तुम्हारी जेब के अंदर क्या है और वो जो भाई साहब जा रहे हैं उनके बैग के अंदर क्या है। खैर छोड़ो, ये तो संभव ही नहीं है। संभव है, मेरे दोस्त के पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अंदर की चीज़ों को स्कैन करके देख सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है उसका? मैं तो नहीं मानता। नाम विनय है, लेकिन बोला है किसी को बताने के लिए नहीं, वरना मैं बता भी देता। तो तूने उसे बताया क्यों? मैंने कहाँ बताया, मैंने तो उसे ये कहा कि तुमने किसी को बताने से मना किया है और मैं इसलिए बता नहीं सकता। उसके हाथ एक वीडियो लग गया तो ये कर रहा है, और अगर उसके हाथ ये लग गया तो पता नहीं क्या क्या करेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कल मिलो पार्क में 4 बजे शाम को। आ गए, ये हुई ना बात। फालतू के बात नहीं, एक्सचेंज।
देखो तुम्हारे सामने मैं डिलीट कर देता हूँ। एक हाथ से मोबाइल दो और दूसरे हाथ से स्कैनर लो। ठीक है। ए, मेरे ऊपर टेस्ट मत करो वरना फोकट में सब दिख जाएगा। ये तो काम ही नहीं कर रहा है। ये किसी भी नए हाथ में 2 घंटे के बाद काम करना शुरू करता है। ये सही है ना? डुप्लीकेट तो नहीं है? चला भी गया। हेलो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। यह वो नहीं है, ये तो उसका डमी है। हाँ तो तुम नहीं दोगे? वो तो मेरे पास भी नहीं है, तो तुम्हें क्या दूंगा? ठीक है, आज मैं तुम्हें पॉपुलर करता हूँ। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तेरा भी सेम आइटम मेरे पास है। जब मैं तुझसे मिलने गया था तो मैं भी वीडियो बनाते गया था, सोच लेना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, देख लूंगा। फोटो भेजू क्या देखने के लिए? फालतू के बात नहीं, एक्सचेंज। ठीक है। तो बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो। हाँ, कुछ ज्यादा दिन पे था, सॉरी इसके लिए। मतलब कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन अब जब हम लोग सब कुछ ओके हो जाएगा तो एकदम रेगुलर हो जाएंगे और फटाफट आपको देखने पर एक से एक बेहतरीन चीज़ें मिलेगा। फिलहाल इसको आप लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन जितना लंबा होता है उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत को सफल बनाए, लाइक करे, कमेंट करके बताए कैसा लगा। बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @funfinindia। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो तो सजेस्ट कर सकते हैं।